हे गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये वाला छोटा सा एक कृष्णा मूर्ति बना के दिखाऊंगा। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आज का ये जो कृष्णा मूर्ति है ये मेरे लिए एक चैलेंज का काम है, क्योंकि इससे पहले मैंने इतना छोटा मूर्ति कभी नहीं बनाया। ये जो कृष्णा का फेस है ये बहुत ही छोटा है, और इतना छोटा फेस को डिटेलिंग करना बहुत ही मुश्किल होता है। और गाइज, आज का ये जो मूर्ति मैं आप लोगों को बना के दिखा रहा हूँ ये भी मैं बनाऊंगा बिना स्ट्रक्चर के, मतलब इसके अंदर में कोई भी आर्मेचर या फिर कुछ भी, ना ही लोहे का ना ही लकड़ी का, कुछ भी नहीं दूंगा, ओनली मिट्टी से बनाऊंगा। तो गाइज, अभी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो गाय है उसको मैं बना रहा हूँ। देखिए, गाय के सबसे पहले मैंने एक मिट्टी से एक स्टैंड बना लिया, मतलब वही मेरा आर्मेचर है, वही स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर ही ये गाय खड़ा रहेगा। एक बात यहाँ पे आप लोगों को समझना बहुत ही जरूरी है कि अगर आप बिना स्ट्रक्चर के कोई भी मूर्ति बनाते हो तो आपका मिट्टी ज्यादा नरम नहीं होना चाहिए, मतलब आपका मिट्टी थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए। क्योंकि देखिए, यहाँ पर आप तो बिना स्ट्रक्चर के मूर्ति बना रहे हो, लेकिन स्ट्रक्चर के बिना कोई भी मूर्ति नहीं बनती, आपको तो स्ट्रक्चर बनाना ही पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे मिट्टी ही आपका स्ट्रक्चर है, आप मिट्टी से ही आप पहले आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। जैसे कि आपने पहले देखा कि ये जो गाय है, उस गाय को बनाने से पहले आप लोगों ने देखा कि गाय की पेट के नीचे मैं थोड़ा सा मिट्टी दे दिया, वो मिट्टी थोड़ा हार्ड था, ठीक है। तो वही स्ट्रक्चर है, वही गाय को खड़ा रखेगा, मतलब सीधा रखेगा, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, अभी ये जो कृष्णा का फिगर मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, इसको अभी पहले मैं स्ट्रक्चर कर रहा हूँ, मतलब कैसे कृष्णा का जो मूर्ति है वो कैसे खड़ा रह पाएगा, पहले उसकी प्लानिंग में कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद तो आएगा फिनिशिंग, क्लीनिंग, ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर में ध्यान देना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप एक बिना स्ट्रक्चर के मूर्ति बना रहे हैं और मूर्ति लगभग कंप्लीट होने ही वाली है और उस टाइम पे आपका मूर्ति गिर पड़ा, मतलब टूट गया। तो इसीलिए आपको पहले से ही स्ट्रक्चर में ध्यान देना पड़ेगा सबसे पहले, कि कुछ भी हो जाए मूर्ति ना गिरे, उसके बाद आपको अगला जो प्रोसेस है उसमें ध्यान देना होगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने ये जो कृष्णा और गाय, इसको मैंने मिट्टी से कुछ इस तरीके से सेट किया है ताकि ये मूर्ति ना गिरे। हाँ, अगर आप ज़्यादा प्रेशर दोगे तो ये मूर्ति टूट जाएगा, क्योंकि ये मिट्टी तो कच्चा है ना, लेकिन आप इसके ऊपर काम आसानी से कर सकते हो। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को मेरी वेबसाइट के बारे में बताना चाहूँगा। ये मेरी वेबसाइट है जिसका नाम है विश्वनाथ आर्ट.इन। यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही कम प्राइस में बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा अच्छा टेराकोटा और भी अदर्स मटेरियल का मूर्ति मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मेरी वेबसाइट का लिंक है, आप जरूर जाइए और अपना फेवरेट मूर्ति का ऑर्डर बुक कीजिए। सो गाइस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप एक बार जरूर चेक कीजिएगा, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैंने इस वीडियो के बारे में भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दे रखा है। ये जो क्ले इंस्ट्रूमेंट है इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको परचेस कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्ले इंस्ट्रूमेंट है। तो फ्रेंड्स, अभी चलिए हम इस मूर्ति को स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं, और आप भी देखते रहिए। जो लोग मूर्ति बनाना सीखना चाहते हैं बहुत इजी तरीके से, वो लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप कोई भी एक पार्ट स्किप कर देते हो ना तो आपको दूसरा पार्ट समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हर एक पार्ट आपस में जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और इस वीडियो को आप एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लाइक करना बाद में भूल जाएंगे, वीडियो में खो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, चलिए अभी हम इस मूर्ति को स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं।